नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, च्यवनप्राश हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से लिया जाने वाला एक स्फूर्ति टॉनिक है, जो कि हर साल सभी लोग लेते हैं, सर्दियों में खासतौर से ज्यादा लेते हैं। तो उस च्यवनप्राश के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। च्यवनप्राश एक चमन ऋषि हुए थे हमारे देश में। उन्होंने अपने आप को तंदुरुस्त और यौवन अवस्था में वापस लाने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके और एक पदार्थ बनाया, जिसको उन्होंने च्यवनप्राश का नाम दिया, क्योंकि च्यवनप्राश चमन ऋषि ने खोज की थी, तो वो च्यवनप्राश के नाम से ही जाने गए। च्यवनप्राश दोस्तों, हर कंपनियां अलग अलग अपने उस हिसाब से बनाती हैं। सभी कंपनियों में अच्छे अच्छे च्यवनप्राश बने हैं, और मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एमबे के न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश के बारे में। तो न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश के दोस्तों काफी विशेषताएं हैं। च्यवनप्राश तो बाजार में आपको बहुत सारे मिलेंगे, पर च्यवनप्राश में हम यही च्यवनप्राश क्यों लें? क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक च्यवनप्राश बनाया है इन्होंने, शुगर नहीं डाली इन्होंने, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें डाली है इन्होंने जिसकी वजह से इसको अधिक समय तक आप अच्छा महसूस कर सकते हो। और इसमें इन्होंने कोई कलर नहीं डाला है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला है जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट होने का डर हो। प्योर नेचुरल जड़ी बूटियों से लेकर के न्यूट्रलाइट आप जानते हो पिछले 80 सालों से दुनिया में मानी हुई ब्रांड रही है। तो इन्होंने जो च्यवनप्राश बनाया है, तो च्यवनप्राश में इन्होंने बहुत 16 जड़ी बूटियां ऐसी डाली है छांट छांट के, जो बिल्कुल वास्तव में हमारे कारगर हैं और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उसके अलावा दोस्तों, इन्होंने इलायची, बहुत सारी ऐसी चीजें, 32 चीजें ऐसी डाली है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और उसके अलावा इन्होंने विशेष जो इसकी बात रखी है वो दोस्तों यही है कि इसके अंदर, मैंने पहले बताया आपको, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कोई कलर नहीं डाला, तो यानी कि इससे कोई आपके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। दोस्तों च्यवनप्राश के बारे में जो बात आती है, च्यवनप्राश सबसे ज्यादा लोग सर्दियों के मौसम में खाते आए हैं हमारे देश में, और इसका मेन कारण रहा है कि च्यवनप्राश सबसे ज्यादा जो काम करता है वो खांसी, जुकाम और बुखार, तपेदिक की बीमारियां बहुत रही है हमारे देश में, आज भी होती हैं। तो खांसी, जुकाम और बुखार के लिए सबसे बेहतरीन यदि कोई चीज है तो वो च्यवनप्राश है दोस्तों, जो सर्दियों में ज्यादातर लोग लेते आए हैं। क्योंकि न्यूट्रलाइट आप जानते हो बहुत पुरानी कंपनी है, 80 सालों से नंबर 1 ब्रांड लीडर है डायटरी सप्लीमेंट में भी और अच्छे पूरक आहार में। तो इन्होंने जो च्यवनप्राश बनाया है उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट में आंवला बहुत प्रचुर मात्रा में डाला है दोस्तों। आंवला डालने से क्या होता है, आंवले की तासीर बिल्कुल ठंडी होती है और आप इसको गर्मी में भी खा सकते हो। अब तक जितने भी च्यवनप्राश आपने देखे होंगे मार्केट में, उन च्यवनप्राश को आप केवल सर्दियों में ही लोग खाते थे और उनको सर्दियों में ही खाया जाता है, वो सर्दियों में खाने योग्य होते हैं। पर न्यूट्रलाइट ने पहली बार एक ऐसा च्यवनप्राश बनाया है जिसको आप गर्मियों में भी खा सकते हो, क्योंकि इसमें आंवला इन्होंने 72% डाला है। और 72% आंवला डालने के कारण, इसमें आंवले की तासीर ठंडी होने के कारण, ये आपको गर्मी में भी आप इसको खा सकते हो, बरसात में भी आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये आपकी कफ, पित्त और वात तीनों को कंट्रोल करने के हिसाब से इन्होंने सब चीजें इसमें डाली है। तो ये आपको तीनों मौसम में ही लाभकारी है और बहुत बेहतरीन चीजें हैं दोस्तों। इन्होंने जो चीजें इसमें डाली है, मैंने बताया आपको 16 जड़ी बूटियां इन्होंने डाली है, और वो बहुत ही एक एक छांट छांट के बहुत अच्छी, जो फायदेमंद हमारे शरीर के लिए होती है, वो चीजें इन्होंने डाली है। उनमें से कुछ जड़ी बूटियों के बारे में भी आपको बताता हूँ जो इन्होंने इसमें डाली है। उसके अलावा दोस्तों, इन्होंने 32 ऐसी चीजें इन्होंने मिलाई है जिसके बारे में भी आपको बताया कि इलायची है, शहद है, बहुत सारी ऐसी चीजें डाली है, छोटी कटहली, बड़ी कटहली, पीपल, बहुत सारी चीजें इन्होंने डाली है जो हमारे को बहुत फायदा करती है। कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जो इन्होंने डाली है इन्होंने, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में, क्यों लाभदायक है। तो सबसे पहले तो आप अपन आंवले की ही बात करते हैं। आंवला आप सब जानते हो, अभी कोरोना काल में भी सब जानते थे कि आंवला, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आंवला में पाई जाती है, और विटामिन सी की प्रचुर मात्रा आंवले में होने के कारण विटामिन सी अभी जो दौर चला था पिछले साल और अभी भी चल रहा है कोरोना का, तो उसमें जबरदस्त रोल रहा दोस्तों विटामिन सी का। तो एमए ने, न्यूट्रलाइट ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें 72% आंवला डाला है, और उसकी तासीर ठंडी भी है, और आंवला इम्यूनिटी बढ़ाने में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीज है। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है आंवला में। तो आंवला हम वैसे नहीं खा पाए तो इस च्यवनप्राश को यदि आप लेते हो तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी की होती है रोज की, वो आपको इस च्यवनप्राश की 1 चम्मच में आपको मिल जाएगी सफिशियंट। च्यवनप्राश के अलावा दोस्तों, इन्होंने जैसे कि नागमुत्ता डाला है, तो वो क्या होता है कि आपकी पेट की 84 बीमारियां, जो पेट से 84 बीमारियां निकलती है, उन 84 बीमारियों को कंट्रोल करता है,
और आपको होने वाली 84 बीमारी से बचाता है। आयुर्वेद कहता है दोस्तों कि यदि आपका पेट बिल्कुल सही है, आपका डाइजेशन सिस्टम सही है, तो आपको कोई बीमारियां होने का खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि सभी बीमारियां जो होती हैं, 84 प्रकार की बीमारी आयुर्वेद मानता है, वो पेट से ही होती है। और पेट से यदि आपका मल मूत्र दोनों का सही विसर्जन हो रहा है, तो आपके 84 बीमारियां जो पेट से निकलती है वो नहीं होगी। उसमें ये जड़ी बूटी बहुत जबरदस्त कारगर है और 84 बीमारियों को आपकी बचाती है शरीर को। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है अश्वगंधा इसमें डाली है। अश्वगंधा का नाम सुनते ही आप जानते हो कि अश्वगंधा, अभी कोरोना काल में भी गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन दी थी कि अश्वगंधा आप कोरोना में ले सकते हैं। अश्वगंधा क्या करती है दोस्तों, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल सही सुचारू रूप से काम करने के लिए अग्रसित करती है, घोड़े की तरह आपको ताजा महसूस कराती है। और इस जड़ी का नाम अश्वगंधा इसलिए डाला है कि इसके में जो गंध आती है वो घोड़े की तरह आती है। तो अश्व का मतलब घोड़ा होता है, और घोड़े की जैसी आपको फुर्ती देती है वो अश्वगंधा दोस्तों इस च्यवनप्राश में इन्होंने डाली है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज है, अश्वगंधा आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी जितनी आपको रोज की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो है इसमें जीवंती डाली है। जीवंती आपको तरोताजा और जवान महसूस कराएगी, क्योंकि जीवंती का काम जो है आपकी स्केल हो जाती है, झुर्रियां सी पड़ने लगती है, उनको रिकवर करती है आपकी। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको समय से पहले जो बुढ़ापा आ जाता है वो नहीं आएगा, उम्र के अनुसार बुढ़ापा तो आएगा परंतु आपको बुढ़ापा महसूस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको एज फैक्टर के अनुसार जो निशान होते हैं हमारे बॉडी में, जो एज फैक्टर के अनुसार जो सिम्टम हमारे दिखाई देते हैं, वो इस जीवंती को लेने से आपको नजर नहीं आएंगे, आएंगे 5 साल बाद आएंगे दूसरे लोगों से। तो च्यवनप्राश का ये जो इन्होंने इसमें डाली है वो बहुत बेहतरीन चीज डाली है। उसके अलावा इन्होंने डाला है हनी, शहद। शहद आप जानते हैं कि शहद कई सारी बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, वो भी शहद डालती हैं, पर उनमें शहद का दोस्तों आजकल आप देख रहे हो जगह जगह मिलावट का दौर है, वो शक्कर से ही शहद बना लेते हैं, चीनी को घोल कर बना के उसकी चाशनी बना के शक्कर शहद का रूप दे करके वो प्रयोग लेते हैं। आप जानते हो न्यूट्रलाइट हर चीज में ब्रांडेड चुनती है, जिन्होंने प्योर शहद लिया है, उस शहद को डालने से, शहद से आपकी क्या होती है कि इनमें जो आपके हल्के फुल्के जो इन्फेक्शन होते हैं बार बार मौसम बदलने से, बार बार जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शन इससे नहीं होंगे, क्योंकि शहद हमारी बॉडी में इन्फेक्शन की जो मात्रा होती है उसको खत्म कर देता है, और बार बार ठंड जुकाम बुखार बच्चों में भी और बड़ों में भी नहीं होगी। ये बहुत जबरदस्त रोल है शहद का, तो शहद इन्होंने प्रचुर मात्रा में इसमें डाला है। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने डाली इसमें शतावरी। शतावरी क्या करती है दोस्तों कि हमारे पेट के अल्सर को खत्म कर देती है। आज भी देख रहे हैं कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में हो क्या रहा है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक खाने का सिस्टम सही नहीं है, हमारा आहार व्यवहार जो घूमने का सब तरीके सब बदल गए हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करता, व्यायाम नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो दिनचर्या बिगड़ गई है उसको सही करने के लिए हम पानी भी नहीं पी पाते हैं। अब जब हम पानी नहीं पियेंगे, बाजार की चीजें खाते हैं, कचौरियां समोसे वगैरह, तो उससे क्या होता है हमारे आमाशय में बहुत सारे छाले हो जाते हैं। और शतावरी जो इन्होंने इसमें डाली है वो क्या करती है, उन घावों को, उन अल्सरों को खत्म कर देती है। तो आपके कभी भी पेट से रोग से समस्या नहीं होगी, आपके आंतों में, इनमें, गले में, इनमें जो आपके अल्सर हो जाते हैं उन अल्सरों को खत्म करने में शतावरी का बहुत अच्छा रोल है। तो वो शतावरी इन्होंने प्रचुर मात्रा में डाली है, तो आपको बहुत ही फायदेमंद है कि आपके पेट के अल्सर, गले के अल्सर, आंतों के अल्सर, यहां तक कि कोलाइटिस को भी ये खत्म कर देता है दोस्तों। तो शतावरी बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने डाली है, वो इस च्यवनप्राश में बहुत प्रचुर मात्रा में डाली है। उसके अलावा इन्होंने डाली है इसमें वेदा। ये क्या करता है दोस्त कि गैस को कम करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की आज देख रहे हो आप, आज के दौर में वही बात आती है कि बहुत से गेस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर आप छोटे छोटे शहरों में क्या कस्बों में भी बड़ी बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलों से आने लगे हैं, क्योंकि पहले देखा गया था कि लोग एक्सरसाइज करते थे, प्रचुर मात्रा में पानी पीते थे, तो उनको गैस की प्रॉब्लम होती नहीं थी, पर अब आज आप देखोगे हर व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है, क्योंकि खाया और बैठ जाता है, ऑफिस के वर्क है, तनाव के कारण गैस बहुत ज्यादा बनती है। तो गैस की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इसमें ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी इन्होंने डाली है, जो इसका बहुत अच्छा रोल है। एक गिलोय दोस्तों, आप जानते हो गिलोय का तो आप जानते ही हो कि बहुत जबरदस्त रोल है हमारे जीवन में, और जैसे कि गिलोय WBC में बहुत जबरदस्त आपको इम्यूनिटी बढ़ाती है, और हमारे शरीर में जो भी सारी हमारे शरीर से लड़ने की जो सेल्स होती है उनकी कैपेसिटी को बढ़ा देती है, यानी कि हमारे शरीर में जो सेना है, जो WBC है, उनको वो ऐसा सिस्टम मजबूत कर देती है कि वो रोगों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। जैसे कि अभी कोरोना काल में या उसके बाद अभी डेंगू चला था, डेंगू में आपने देखा होगा प्लेटलेट लोगों की यूं ही गिर जाती थी, डेंगू मच्छर ने जैसे ही काटा और प्लेटलेट डाउन सीधी, तो प्लेटलेट बढ़ाने में गिलोय का बहुत अच्छा रोल था, और गिलोई प्लेटलेटों को आपकी गिरने नहीं देती है, यानी कि आपको बहुत जल्दी ताजा महसूस करवाती है, तो वो गिलोय इन्होंने इसमें डाली है।
और गिलोय के अपने आप में अद्भुत है। गिलोय तो एक औषधियों में बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो गिलोय इस च्यवनप्राश में उन्होंने डाली है, तो हमें ये लेना चाहिए गिलोय के साथ भी। उसके अलावा इन्होंने डाला है गोखरू। गोखरू दोस्तों क्या करता है, जैसे कि ज्यादातर क्या होता है आयुर्वेद में, हमारी ये भारतीय संस्कृति में हम जो भी चीजें होती है वो जिस डिजाइन की बनी है दोस्तों, उसी के पार्ट्स का जो डिजाइन हमारे शरीर की होती है उसमें बहुत फायदा करता है। गोखरू का आपने देखा होगा, गोखरू का आकार जो है बिल्कुल किडनी की तरह होता है, तो यूरिन की जितनी भी प्रॉब्लम आपके अंदर शरीर में होगी उसको ये गोखरू खत्म कर देता है। यानी कि आपकी किडनी से समस्याएं, जैसे कि पथरी है, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, किडनी में कोई रुकावट आ रही हो, जो आपको पेशाब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको खत्म करने के लिए ये बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने गोखरू जो इसमें डाला है वो आपकी किडनी को इतना मजबूत बना देता है, इतना स्वस्थ बना देता है कि आपके बॉडी के अंदर जितनी भी गंदगी होगी वो किडनी के थ्रू आउट बाहर निकाल दी जाएगी, और आपकी बिल्कुल यूरिन जब सही रहेगा तो आपकी गंदगी जितनी भी बॉडी के अंदर होगी उसको किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। उसको कार्यशैली बढ़ाने के लिए किडनी की गोखरू बहुत जबरदस्त मात्रा में इन्होंने इसमें डाला है, तो आपको ये च्यवनप्राश मेरे हिसाब से लेना चाहिए। और दोस्तों इनमें इसके अलावा इन्होंने डाला है इसमें हरड़। हरड़ भरड़ आंवला तीनों का आप जानते हो, त्रिफला का एक चूर्ण होता है, और त्रिफला तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। तीनों चीजों इसमें डाली है उन्होंने, और इन तीनों चीजों का आप जानते हो कि यदि कहते हैं आयुर्वेद में कि यदि मान लीजिए आप किसी को आशीर्वाद भी देते हो तो आप आशीर्वाद की जगह उसको त्रिफला दे दीजिए, वो जिंदगी उसकी बदल जाएगी। वो आयुष्मान भव वाली चीज जो है त्रिफला के रूप में आप कन्वर्ट कीजिए और उसकी उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जब स्वस्थ रहेगा तो उसकी उम्र नेसेसरी बढ़ेगी। तो इसमें जबरदस्त जो इस चीज का रोल है वो बहुत ही अद्भुत है रोल दोस्तों, तो वो चीज इन्होंने बहुत अच्छी मात्रा में डाली है। और च्यवनप्राश तो बहुत सारे आपने देखे भी होंगे, खाए भी होंगे और जानते भी होंगे कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि 55 की साल में च्यवनप्राश खा के लोग बाग बहुत जल्दी अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं, परंतु च्यवनप्राश दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको आज के दौर मिलावट का है, और सभी तरह के उनमें कुछ न कुछ इस तरह की चीजें डाली जाती है, कलर के लिए, स्वाद के लिए, मीठा बनाने के लिए, और ज्यादा समय तक वो खराब नहीं हो तो इस तरह उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह बहुत सारी चीजें से डाल दी जाती है जो हमें फायदा तो करती है पर बहुत सारे नुकसान भी करती है। परंतु ये च्यवनप्राश जो है न्यूट्रीलाइट का आप जानते हैं पिछले 80 सालों से ब्रांड लीडर रही है एम्बे न्यूट्रीलाइट डाइटरी सप्लीमेंट में, तो इन्होंने जो भी चीजें चुनी हैं तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके स्वास्थ्य को देखते हुए और वो बनाई है इन्होंने। इनके मैं बताऊं, आप बात करें इनके ऑर्गेनिक प्लांटों की, तो आपको यकीन होगा कि पूरी जो जड़ी बूटियां इन्होंने जिसमें डाली है वो इनके खुद के प्लांटों में इन्होंने उगाई है, और उनमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाल करके बिल्कुल देसी खाद डाल के उसको नेचुरल रूप से तैयार किया गया है, वही जड़ी बूटियां इन्होंने डाली है। और च्यवनप्राश इतना जरूरी है दोस्तों कि पिछले अगर आप सरकारी आंकड़ों में जाओगे पिछले साल के में, तो लोगों ने कोरोना काल में इम्यूनिटी अपने आप को बूस्टर बढ़ाने के लिए जो च्यवनप्राश काम में लिया, तो च्यवनप्राश को 70% लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने में काम में लिया है दोस्तों। तो च्यवनप्राश अपने आप में लोग जानते भी थे और काम में भी लेते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप च्यवनप्राश सर्दियों में जैसे भारत में हम खाते आए हैं तो च्यवनप्राश आपको खाना चाहिए, और बेस्ट च्यवनप्राश खाओ न्यूट्रलाइट च्यवनप्राश जो है एम्बे का, इसको खाइए। और इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता ये दी है इन्होंने कि ये न केवल सर्दियों के लिए है, इसको आप गर्मी में भी खा सकते हो, बरसात में भी खा सकते हो, सभी मौसम में आपको वात कफ और पित्त को ये कंट्रोल करके आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है, स्फूर्ति देता है, वापस आपको जवानी महसूस कराएगा और तरोताजा करेगा, पेट की से संबंधित सारी बीमारियां, इम्यूनिटी जब आपकी अच्छी रहेगी तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, और उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है दोस्तों ये। और इसकी डोज में बताऊं आपको, बच्चे यदि 6 साल तक के हैं तो आप उनको आधी चम्मच दे सकते हैं, या उनसे बड़े बच्चे हैं तो आप उनको 1 चम्मच दे सकते हैं। इसको आप सादा, वैसे भी स्वादिष्ट बहुत अच्छा है ये, क्योंकि मैंने खुद को ले लिया है, तो आप टेस्ट के हिसाब से इसको ले सकते हो। उसके बाद आप दूध पी सकते हो, गर्म गुनगुना पानी पी सकते हो, या कुछ भी नहीं पियोगे तो भी आप इसको खा सकते हो। इसको सुबह शाम दोनों टाइम आप ले सकते हो, बेस्ट च्यवनप्राश है दोस्तों, लेना चाहिए। मैं लेता हूं, मेरा पूरा परिवार लेता है, आप सबको लेना चाहिए। धन्यवाद।